नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ करौंदे का बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा अचार। आजकल करौंदे का सीजन चल रहा है, बाजार में बहुत अच्छे करौंदे आ रहे हैं, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने करीब 200 ग्राम ये लाल करौंदे लिए हैं और 25 ग्राम के लगभग हरी मिर्च ली है। इसके अलावा कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें ये सौंफ है और ये अजवाइन है, ये जीरा है, ये राई है, ये मेथी है और ये मंगरेल है। इन सारे मसालों को हमने एक एक चम्मच लिया है और इधर एक डली गुड़ की ली है, जिसको बारीक टुकड़ों में काट के रख लिया है। करौंदा और मिर्ची को हमने पहले ही धो के अच्छे से पोंछ के रख लिया था और अब दोनों को हम बारीक कट कर लेंगे। मिर्ची आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। अब हमारा ये मिर्ची और करौंदा दोनों कट के तैयार हैं। आप देख सकते हैं करौंदे को मैंने हाफ कट किया है और मिर्ची के बारीक टुकड़े किए हैं। दोस्तों, आप चाहें तो बिना मिर्ची के भी इस अचार को बना सकते हैं, लेकिन इस अचार में मुझे मिर्ची बहुत पसंद है, तो मैं जब भी इस अचार को बनाती हूँ तो इसमें मिर्ची ज़रूर डालती हूँ। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कलौंजी यानी कि मंगरेल को छोड़कर बाकी सारे मसाले हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। मसालों का कलर जैसे ही चेंज होगा, ये चटकने लगेगा, तभी हम इन मसालों को बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमारा ये मसाला रोस्ट होकर तैयार है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे। अभी ये मसाला गर्म है तो थोड़ा हम वेट करेंगे और कुछ देर इसको ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। अब मसाला हमारा पिस चुका है तो अचार बनाना अब हम शुरू करते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई को फिर से चढ़ा दिया है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इस अचार में दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम ऑयल में ये बनके तैयार होता है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे करीब आधा चम्मच हींग पाउडर और इसके बाद ये कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही ये कटे हुए करौंदे भी डाल देंगे। अब अच्छे से इसको हम चला देंगे और करीब 2 मिनट तक हम इसको इसी कंडीशन में पकाएंगे। अब इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है दोस्तों, तो आप गुड़ के स्थान पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। दोनों से ही स्वाद में कोई खास फर्क नहीं आता है। अभी आपको ये टुकड़े काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये टुकड़े इसमें घुल जाएंगे। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप पानी। अब करीब 5 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे और धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। अब खोलकर इसको चेक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, गुड़ इसमें बहुत अच्छे से घुल चुका है
और बस अब इसमें हम बारी बारी से सारी चीज़ें मिलाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सादा नमक और 1 चम्मच काला नमक और 1 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये कलौंजी यानी कि मंगरेल और रोस्ट किया हुआ सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसको चलाएंगे और अभी इसको हम करीब 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे और इस समय भी हम इसको थोड़ा ढक के रखेंगे ताकि कोई मच्छर मक्खी या कीड़े मकोड़े वगैरह ना पड़े। सेफ्टी के उससे हम इसको ढक कर रखेंगे। अब अचार हमारा अच्छे से पक चुका है और इससे ज़्यादा हमें अब इसे नहीं पकाना है तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं। अभी ये काफ़ी आपको पतला नज़र आ रहा है लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसकी थिकनेस जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। अब अचार हमारा ठंडा हो चुका है तो इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हमारा ये करौंदे का खट्टा मीठा अचार बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये सीजनल अचार है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत कम सामान में आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसको बनाने में, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है। बहुत कम ऑयल भी इसमें लगता है और सेहत की नज़र से देखें तो भी ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो आप भी इस खट्टे मीठे अचार को अपने यहाँ बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।